मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि इन दिनों हमारी चर्चा चल रही है राजयोग पर, विभिन्न प्रकार के राजयोग, और लगभग मैं तो ये कहूँगा कि हजारों प्रकार के राजयोग ज्योतिष के क्लासिकल लिटरेचर अर्थात शास्त्रीय साहित्य में उल्लेखित है। अब बात काम की आपके वो तभी है यदि वो आपकी कुंडली में भी विद्यमान हो, तभी वो आपको शासन सत्ता का सुख प्रदान कर सकते हैं। साथियों, आज हम जिस विशिष्ट प्रकार के राजयोग की चर्चा करने जा रहे हैं उसमें बहुत बड़ा योगदान पूर्व जन्म के कर्मों का भी है। पूर्व जन्म के कर्मों से इस जन्म में व्यक्ति कब राजयोग भोग सकता है उसके लिए हम आज उस स्थिति को जांचेंगे। इसलिए आप भी अपनी जन्म पत्रिका अपने हाथ में लेकर के और अपने दिलों की धड़कनों को थाम करके बैठिए। साथियों, इस पर हम चर्चा करें इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं, और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। साथियों, दो बातों का आपको यहां पर ख्याल रखना है। एक तो सबसे पहले अपना कमेंट लिखने से पहले आपको हैशटैग आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का अनिवार्य रूप से प्रयोग करना है, और इसके साथ ही जो बेहद आसान सा प्रश्न आपसे इसी एपिसोड के अंत में पूछा जाएगा उसका सही उत्तर साथ में जरूर लिख कर भेजें, तभी हम उसको हमारे कमेंट सेक्शन के अंतर्गत शामिल कर। तो साथियों, आइए बिना किसी देरी किए श्री छत्र नामक राजयोग के बारे में चर्चा करते हैं, जन्म कुंडली के माध्यम से इसको जानने का प्रयास करते हैं। साथियों, ये आप जन्म पत्रिका देख पा रहे हैं। अब इस जन्म पत्रिका के लग्न भाव में, द्वादश भाव में, धन भाव में और सप्तम भाव में, यदि इन चारों भावों में जो सात मुख्य ग्रह हैं वो सभी विराजमान हो जाएं, राहु और केतु को यहां पर शामिल नहीं किया गया है, मैं दोहरा रहा हूं, केवल सात जो मुख्य ग्रह हैं वो सभी के सभी इन चारों भावों में यदि विद्यमान हो, तो इसको ज्योतिष की भाषा में कहा गया है श्री छत्र योग। अब हमें थोड़ा सा इस शब्द पर गौर करना होगा। श्री का अर्थ होता है माता लक्ष्मी, धन, वैभव, उसको हम श्री कहते हैं, और छत्र का अर्थ होता है छाता या छतरी। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि ये योग किसी जातक या जातिका की जन्म पत्रिका में विद्यमान है तो फिर एक प्रकार से उसके ऊपर मां लक्ष्मी छाता लेकर के स्वयं खड़ी है, अर्थात उसको कभी धन, वैभव, सम्मान, ऐश्वर्य की कमी अपने जीवन में नहीं हो पाएगी। और अगर आप थोड़ा सा और गौर करें इस स्थिति पर तो यह स्थिति आपको एक छाते नुमा भी दिखाई देगी। साथियों, अब बात कि यह पूर्व जन्म से कैसे संबंधित है। साथियों, हमारी जो भारतीय मेधा है वो कार्य कारण सिद्धांत पर आधारित है। इस ब्रह्मांड में कोई भी गति बिना किसी कारण के नहीं होती, बिना किसी कारण के कोई कृत्य नहीं होता। इसीलिए हम ये मानते हैं कि हमारे साथ में जो अच्छा हो रहा है वो भी पूर्व जन्म का प्रभाव है, और जो बुरा हो रहा है वो भी पूर्व जन्म का प्रभाव है। जिन लोगों ने, जिन जातकों ने, जिन मनुष्यों ने अपने पिछले जन्मों में बहुत अच्छे पुण्य कार्य किए होते हैं उनकी जन्म पत्रिका में ये स्थिति निर्मित होती है, श्री छत्र योग की स्थिति। अब स्थिति से होता क्या है कि बहुत कम प्रयास से और कई बार तो बिना प्रयास किए ही व्यक्ति को वो सारी चीजें मिल जाती है जो एक आम आदमी की महत्वाकांक्षाएं होती है। ये सारा संचित कर्मों का ही खेल है। सारा सभी ग्रह अगर इन स्थितियों में है तो मैं आपको अपनी तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं देना चाहता हूं। पूर्व जन्म के जो कार्य हैं, क्योंकि वो किए तो आप ही ने हैं, इसलिए उसका उपभोग आपको इस जन्म में इस राजयोग के द्वारा मिलेगा, और सत्ता, शासन,
राजकीय सेवा, और कई बार तो ऐसे व्यक्ति जो हैं वो मंत्री या मुख्यमंत्री भी बनते हुए देखे जाते हैं। और धन और वैभव, क्योंकि इसका नाम ही श्री है, तो धन और वैभव की इस व्यक्ति को किंचित भी कमी जीवन में नहीं हो पाती है। साथियों, राजयोग पर हमारी बहुत ही दुर्लभ और शोधपरक श्रृंखला जारी है। आप लोगों से इसी प्रकार के स्नेह की हम अपेक्षा रखते हैं। आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है तान्या गोयल जी का, जो कि उन्होंने लिखा है चेन्नई तमिलनाडु से। तान्या जी, आपने अपने भाई सोनू गुप्ता के बारे में जानना चाहा है कि उन्होंने अभी अपना नया व्यापार प्रारंभ किया है। वो व्यापार माउथ फ्रेशनर, स्वीट सुपारी, इस प्रकार के उत्पादों से जुड़ा हुआ है। तो क्या ये सफल होगा या नहीं होगा, इनको क्या करना चाहिए? इन्होंने बिल्कुल सही व्यापार चुना है। हालांकि एक पक्ष इसका यह भी है कि यह व्यापार शुक्र से संबंधित है। मैं इनको यही कहना चाहूंगा कि प्रत्येक बुधवार को ये, अगर अभी कोरोना के कारण मंदिर के कपाट बंद हैं, कोई बात नहीं, घर पर भी कर सकते हैं, और जब खुल जाएं तब मंदिर में जाकर के करना ज़्यादा श्रेष्ठ रहेगा। करना ये है कि प्रति बुधवार संध्या काल में जो गणपति देव को मोदक, जो लड्डू चढ़ते हैं, उसका भोग लगाना है, और उसके बाद में गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करना है। यदि गणपति जी ने चाहा तो ये बिजनेस में बहुत ऊंचाइयों को छुएंगे। तो साथियों, ये था हमारा आज का आर्य सत्य। अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न पूछ लिया जाए। आज हमने किस राजयोग के बारे में चर्चा की है, उस राजयोग का नाम आपको लिख करके भेजना है। साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।